अगला प्रातः क्लास है 11 फरवरी 1968। रूहानी बाप बेटी रूहानी को बच्चों को समझाते, रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं और ये नई बात है क्या कि रूहानी बाप कोई जानी जानन हार नहीं है, उनको भी साकार शरीर में आकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है। दुनिया में और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, नहीं तो समझते हैं बाप तो जानी जाने नहा रहे। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रजिस्टर शो करता है, रजिस्टर से ही उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। तो मूल है ही पढ़ाई और करैक्टर, ये तो है ईश्वरीय पढ़ाई जो ईश्वर के सिवाय और कोई पढ़ाई नहीं सकता। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के सृष्टि की नारिज है, ये तो कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नहीं जानते हैं तो नास्तिक है। तुम भी रचयिता को थोड़े ही जानते थे, कब की बात, आदि की बेसिक नॉलेज की बात नहीं है, वही बेसिक है आदि। आदि में तो रचयिता भी प्रत्यक्ष नहीं था और रचना का भी किसी को कुछ पता ही नहीं था। बेसिक नॉलेज में भी वर्षों पढ़ाई पढ़ते रहे परंतु रचयिता बाप का कुछ भी पता नहीं चला। बाप को ही आकर के अपनी पहचान देनी पड़ती है। गाया भी जाता है ये है कांटों का जंगल, और ऐसे जंगल को आग जरूर लगती है, ऐसे जंगल को जो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं सुधरते नहीं है। गुलगुल बगीचे को कब आग नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती, क्योंकि ज्ञान जल की नमी रहती है तो आग लगने का सवाल ही नहीं। जंगल तो सारा ही सूख जाता है, बगीचा तो गीला होता है, गीले को आग लग नहीं सकती, सूखे जंगल को आग झट लग जाएगी। सरसब्ज बगीचे को आग लगे ऐसा कब सुना नहीं होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में सरसब्ज बगीचा भी है और कांटों के जंगल भी है, भांति भांति के कांटों के जंगल हैं और भांति भांति के बगीचे हैं सरसब्ज।
जंगल को आग तब लगी थी जबकि सरसब्ज बगीचे की स्थापना हो गई थी। बगीचा अभी गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो कि हम बगीचा के खुशबूदार नंबरवार देवता बन रहे हैं। उस बगीचे का नाम ही है स्वर्ग। नाम से क्या साबित होता है? हैं? जरूर स्वस्थिति में जाने वाले हैं। जो स्वस्थिति में रहने वाले होंगे उनमें कितनी रूहानियत होगी, कितनी खुशबुएं होंगी। उस कांटों के जंगल में तो कितनी बदबूएं हैं। इनका नाम ही है नरक और उसका नाम है स्वर्ग। कहां शिवालय और कहां वैश्यालय। तुम कहां भी प्रदर्शनी आदि में स्वर्ग और नरक का बगीचा और कांटों का जंगल इस बात पर समझा सकते हो, परंतु वंडर है तुम कितना समझाते हो फिर भी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला।